आज मकर संक्रांति है और कल अमावस्या है, साथ साथ कल सूर्य ग्रहण है, तीन पर्व एक साथ। चतुर कबीर ने कहा है, नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांत। ज्ञानी पुरुष के लिए नित अमावस्या है, नित्य संक्रांति है, और ज्ञानी पुरुष के जीवन में रोज रोज नवो ग्रह एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। प्राकृतिक जगत में रोज अमावस्या नहीं होती, रोज संक्रांति भी नहीं होती। अमावस्या महीने में एक बार आती है, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि, और संक्रांति भी महीने में एक बार आती है, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उस प्रवेश काल को संक्रांति कहते हैं। संक्रांति का अर्थ है संक्रमण करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जो जाने का काल है वो संक्रमण काल है, उसी को संक्रांति कहते हैं। हम यहां बैठे हैं तो संक्रांति नहीं है, कहीं पहुंच गए वहां भी संक्रांति नहीं, यहां से उठकर जब वहां जाएंगे तो जाने का जो काल है, संक्रमण है, उसे संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य कर्क राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, और आज से उत्तरायण शुरू होता है। सूर्य उत्तर दिशा की तरफ बढ़ता है, अब तक कल तक दक्षिणायन था सूर्य, आज उत्तरायण होगा। और ये मान्यता है लोगों में, भारतीय परंपरा में, कि उत्तरायण में जो शरीर छोड़ता है वह स्वर्ग में जाता है। उत्तरायण में स्वर्ग का द्वार खुला रहता है, दक्षिणायन में शरीर छोड़ने वाला अधोगति को प्राप्त होता है, नरक में जाता है। एक मान्यता है, सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना ये तो एक प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक गतिविधि है। इस गतिविधि से हमारे जीवन में कोई हानि लाभ होने वाला नहीं है। हमारा काम यह है कि हम अज्ञान से ज्ञान की ओर चले। साधक का काम क्या है? साधक के जीवन में संक्रांति किसे कहना चाहिए? अनादिकाल से लेकर आज तक हम लोग अज्ञान में पड़े हुए थे, अविद्या में सो रहे थे। इस अज्ञान को छोड़कर ज्ञान की दिशा में गमन करना ये संक्रांति है। शरीर संसार के मोह में हम डूबे हुए थे और डूबे हुए हैं, आज भी डूबा हुआ है मन, उधर ही बार बार खींचता है शरीर संसार की तरफ, विषय वासनाओं की तरफ, राग रंग की तरफ। मन को उधर से हटाकर अपने आप की तरफ, चेतन स्वरूप की तरफ, आत्मसत्ता की तरफ ले जाना यह संक्रांति
कल्याणकारी है। सद्गुरु कबीर जो कहते हैं निज संक्रांत ज्ञानी के लिए, साधक के लिए रोज संक्रांति है, तो साधक ज्ञानी पुरुष अपने मन को जड़ देश से, जड़ संसार से हटा हटा कर, उधर से समेट कर अपनी तरफ लौटाता रहता है, आत्मस्थित करता रहता है। इसलिए उसके लिए रोज संक्रांति है। जब तक जीवन है तब तक संसार सामने बना रहेगा और संसार से काम लेना भी पड़ेगा। काम लेना है तो सोचना पड़ेगा, खाना पीना सोना जागना बात व्यवहार करना लोगों से मिलना जुलना अन्य काम धंधा करना, ये सब बिना सोचे कैसे होगा। अब ये सब जो सोचते हैं हम, जड़ संसार ही के भीतर ही है और इसमें मन डूब जाता है। काम करते हुए हम सावधानी नहीं रख पाते, इसलिए मन जो सामने होता है उसमें डूब जाता है। या तो राग मान करके डूबता है या द्वेष मान करके डूबता है। राग भी संसार है और द्वेष भी संसार है, क्योंकि राग और द्वेष को छोड़कर संसार और कहां है। ये जो बाहर दिखाई पड़ रहा है संसार, ये दिखता हुआ संसार हमें बांधता नहीं है। हमें बांधता है हमारी मान्यता का संसार, जो हम राग द्वेष पूर्वक बनाते हैं। कहीं राग कर लिए वहां मन बंध गया, कहीं द्वेष कर लिए वहां मन बंध गया। हम यह सावधानी नहीं रख पाते कि जो अनुकूल हैं आज उनका भी संग साथ छूटेगा, जो आज प्रतिकूल हमें लगते हैं उनका भी संग साथ छूटेगा। न अनुकूल लोग रह जाएंगे न प्रतिकूल लोग रह जाएंगे। और मान लो जो हमारे अनुकूल हैं वे लोग भी रहें, बहुत दिन तक जीवित रहें, जीते रहें, जो प्रतिकूल हैं वे लोग भी बहुत दिन तक जीते रहें, लेकिन हमारा शरीर ही नहीं रह जाएगा, हम ही विदा हो जाएंगे दुनिया से, तो फिर उनसे संबंध कहां रह जाएगा। यह सोच लें कि अनुकूल लोग नहीं रहेंगे, प्रतिकूल लोग नहीं रहेंगे, वे दोनों रहते भी हैं तो मैं नहीं रहूंगा, मैं से मतलब ये हमारा दिखता हुआ शरीर, शरीर खत्म, तो आज जितने भी रिश्ते नाते हैं उन सब से संबंध खत्म, फिर कहां अनुकूलता कहां प्रतिकूलता। इस प्रकार का विचार न होने के कारण, सावधानी न रखने के कारण मन राग और द्वेष में डूब जाता है और हमारे लिए भयंकर संसार का निर्माण हो जाता है। इस संसार से लौटाकर मन को अपने आत्मदेश की तरफ ले जाना, ये संक्रांति है। और जो ऐसा करता है वही साधक है। व्यवहार सामने बना है, जब तक जीवन है तब तक अनदेखा नहीं किया जा सकता व्यवहार को, व्यवहार को अनदेखा करके जिया नहीं जा सकता। इसलिए व्यवहार तो करना पड़ेगा, व्यवहार लेना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, जिसे सेवा लेनी भी पड़ती, सहयोग लेना पड़ता है, ये सब के लिए सोचना पड़ता है। तो जहां तक सोचना है सब संसार का क्षेत्र है।
हम जो सोचते हैं वह केवल व्यवहार पूर्ति के लिए सोचें, तब तो बंधन नहीं बनेगा। लेकिन अनावश्यक रूप से हम सोचने लग जाते हैं और असामयिक रूप से सोचने लग जाते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको सोच लेते हैं, समय वृद्ध सोच लेते हैं और बिना जरूरी सोच लेते हैं, बस यहीं से दुख शुरू होता है। हम यह सोच नहीं पाते कि कितना सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। बिना सोचे काम नहीं बनेगा, सोचना पड़ेगा। ध्यान, चिंतन, समाधि, ये सब के लिए समय निकालने, इसके लिए सोचना पड़ेगा। ज्ञानोपदेश के लिए सोचना पड़ेगा, अन्य काम के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन कैसे सोचें, कितना सोचें, इसी पर ही हमारा ध्यान नहीं रहता, यही बात हम सोच नहीं पाते हैं। इसलिए अनावश्यक संकल्पों में मन बहता रह जाता है, असामयिक संकल्पों में मन बहता चला जाता है और अपने आप से हम जिंदगी भर बेभान बने रह जाते हैं। यही हमारे दुख, पीड़ा और बंधन का कारण है। इसलिए संसार का काम करते हुए, व्यवहार करते हुए, इसलिए सोचते हुए भी समय समय से अकेले एकांत में बैठकर अपने मन को उधर से लौटाता रहे, ज्ञान में, विवेक में, विचार में, ध्यान समाधि में लीन करता रहे। और यह करना, यह संक्रांति है और यह हमारे लिए कल्याणकारी है। और साधक को रोज यह काम करना है। रोज हम ध्यान समाधि का जो अभ्यास करते हैं वो क्या है? ध्यान में हम क्या करते हैं? मन को समेटते हैं, नहीं समेट पाते तो कोई शुभ संकल्प में करते हैं, गुरु का चित्र लिए या कुछ लिए, वो भी एक मन को संसार से लौटाना हुआ, अभी एक संक्रमण ही हुआ। और रोज जब तक जीवन है तब तक रोज इसकी आवश्यकता है। ज्ञानी से ज्ञानी, सिद्ध संत भी 24 घंटे तो समाधि में बैठे नहीं रहेंगे, वे भी व्यवहार लेते हैं। लेकिन व्यवहार लेते हुए भी उनका मन संसार से ऊपर उठा होता है, फिर भी अकेले में बैठ करके संसार से मन को लौटा करके आत्मस्थित करते रहते हैं। तो निज संक्रांति का अर्थ यही है। आज संक्रांति का पर्व है, हम लोगों को यही काम करना है, अपने मन को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना है, काम से राम की ओर ले जाना है, असत से सत्य की ओर ले जाना है और जड़ संसार से अपने आत्मस्वरूप की ओर ले जाना है। आज के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है और ये पहले कहा गया कि लोगों की मान्यता है दक्षिणायन में जो शरीर छोड़ता है वह निम्न गति को प्राप्त होता है, नरक में उसे जाना पड़ता है, और उत्तरायण में शरीर छोड़ने वाला स्वर्ग में जाता है, एक मान्यता है। 6 महीने तक सूर्य दक्षिणायन रहता है और 6 महीने तक सूर्य उत्तरायण रहता है। तो क्या 6 महीने तक जितने भी लोग मरते हैं सब के सब नरक में जाते हैं, और 6 महीने तक जब उत्तरायण में जब तक सूर्य तब तक उसमें जो मरेगा सब स्वर्ग में चले जाएंगे? सूर्य जब दक्षिणायन रहता है उस समय ज्ञानी, त्यागी, तपस्वी का शरीर छूटता है, वो भी नरक में गए तो फिर ज्ञान, ध्यान, त्याग, तप का महत्व क्या हुआ?
और अभी आज से 6 महीने तक सूर्य उत्तरायण रहेगा, इसमें मरने वाला सब स्वर्ग जाएगा, चाहे वो हत्यारा हो, डाकू, व्यभिचारी हो, कैसा भी कुकर्मी हो, तो फिर तो सारी कर्म व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। ये बाहर के उत्तरायण और दक्षिणायन से कोई मतलब नहीं है, ये तो प्राकृतिक घटना है। और दक्षिणायन उत्तरायण भी हमारी एक मान्यता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो हम दिशा बनाए हैं एक काल्पनिक है। आकाश में, ब्रह्मांड में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान कोई दिशा नहीं है। दिशा तो देश सापेक्ष होती है, जो हमारे लिए पूरब है वह किसी के लिए पश्चिम हो सकता है, जो हमारे लिए दक्षिण है वह किसी के लिए उत्तर हो सकता है। तो आदमियों ने अपनी सुविधा के लिए, काम धाम के लिए, व्यवहार के लिए दिशाओं की कल्पना की है, और कहीं पूरा पूरा दिशा नहीं ये है। यदि जहां सूरज आज उगता है उसे पहले हम उत्तर मान लें, और जहां डूबता है उसे हम दक्षिण मान लें, पहले ऐसे ऐसे मान लो कोई नाम रख दे तो क्या सूर्य की गति में अंतर हो जाएगा या बिहार में कोई फर्क पड़ने लगेगा? वो तो आकाशीय ताराओं के अध्ययन के लिए या काम के लिए दिशाओं की कल्पना की गई है, अन्यथा दिशा नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन चलो जैसी मान्यता है उसी हिसाब से ले लेते हैं। तो ये बाहरी सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन होना ये प्राकृतिक है, इसमें किसी के शरीर छोड़ने न छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दक्षिणायन में शरीर छोड़ने से नरक मिलता है, उत्तरायण में शरीर छोड़ने से स्वर्ग मिलता है, इसका एक लक्षणा अर्थ है। दक्षिणायन का अर्थ है अपरिपक्व अवस्था, कच्ची दशा, उत्तरायण का अर्थ है परिपक्व दशा। प्रारंभिक में हर आदमी का मन कच्चा रहता है, शुरुआत में मन संसार में डूबा ही रहता है, कोई साधक ही है, साधना मार्ग में आया तो उसका एकदम मन परिपक्व हो गया, एकदम कृतार्थ हो गया, अभी बहुत कच्चाई है। अर्थ है सीधा सीधा अज्ञान की दशा में यदि शरीर छोड़ा जाए, विषयाशक्ति में रहकर शरीर छोड़ा जाए तो अधोगति की प्राप्ति होगी। उत्तरायण में ज्ञान की दशा में, साधना की परिपक्वता में, त्याग वैराग की पूर्णता में, वैराग्य में शरीर छोड़ा जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कल्याण की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ इतना ही है। लागी आग समुद्र में कांदो जरिभई छार, उत्तर दिशा का पंडिता रह विचार विचार। सदगुरु कबीर कहते हैं लागी आग समुद्र में कांदो जरिभई छार, समुद्र में आग लगी, सारे कीचड़ जल करके राख हो गए और जीव का कल्याण हो गया। उत्तर दिशा का पंडिता, ये उत्तर दिशा सूर्य को उत्तरायण होने में मोक्ष और स्वर्ग की कल्पना करने वाले पंडित लोग पोथी ही विचारते रह गए, न इन्हें स्वर्ग मिला न इनका मोक्ष हुआ। लागी आग समुद्र में, समुद्र में आग लगी और सारे कीचड़ जल करके राख हो गए। समुद्र में आग कैसे लगेगी? समुद्र तो पानी का भंडार है और पानी आग को बुझा देता है। आग जहां जल रही हो वहां कीचड़ फेंको तो आग बुझ जाएगी। और साहब कहते आग लगी तो सारे कीचड़ जल करके राख हो गए। अच्छा अर्थ है लागी आग समुद्र में, साधक के अंतकरण रूपी समुद्र में ज्ञान की आग लगी
और ज्ञान के आग लगने पर कांदो, सारे मनोविकार काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा वैर विरोध वैमनस्य ये सारे कीचड़ जल करके भस्म हो गए, बस जीव का कल्याण हो गया। और जब तक ये कीचड़ मनोविकार काम क्रोध लोभ मोह आदि जल करके राख नहीं होते हैं, कितना भी कुछ कोई कर ले कल्याण नहीं होने वाले धंधा है, मुक्ति नहीं मिलने वाला है। और इनका खात्मा कब होगा? जब ज्ञान की आग लगेगी तब। लेकिन ज्ञान की आग जो लगती है उसे दूसरा कोई जान नहीं सकता है, सो संवेद्य है किसने अपने मन को कितना निर्विकार बनाया है, किसकी काम वासना कितनी शांत हुई है, किसका क्रोध किस लोभ मोह राग द्वेष घृणा वैमनस्य ये कितने शांत हुए हैं, हम कैसे जान सकते हैं। और नहीं जानने के कारण ही बड़े बड़े जीवन मुक्त संतों को भी कहा गया कि ये बंधन में पड़े हुए हैं, और घोर विषासक्त लोगों को भी कह दिया गया कि ये मुक्त हो गए। पक्षपात है, अपने मत के हर आदमी को लोग समझते हैं कि ये मुक्त है, और पराये मत के लोगों समझते हैं बंधन में है। लेकिन बंधन और मुक्ति किसी के कहने से नहीं होते, अपनी दशा जैसी होती है वैसे बंधन की प्राप्ति होती है या मुक्ति की प्राप्ति होती है। हमें स्वयं ही परखना होगा कि मेरे काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष जो मनोविकार हैं कितने शांत हुए हैं, कितने बाकी हैं, दूसरा कोई जान नहीं सकता। लेकिन जिसके मन में ज्ञान वराग की भरपूर आग लगेगी, प्रचंड आग, उसके मन के एकाधिक कीचड़ जल करके राख होंगे और उसी का ही कल्याण होगा, दूसरा कोई जान नहीं सकता। इसलिए साहब ने कहा आग जो लागे समुद्र में धुआं न प्रगट होए, की जाने जो जरीमुआ की जाकी लाई होए। साधक के अंतकरण रूपी समुद्र में ज्ञान की आग लगी लेकिन धुआं प्रकट नहीं होता, कहीं आग जलती है तो धुआं उड़ता है और धुआं देख करके अनुमान कर लिया जाता है कि वहां आग लगी है। लेकिन ज्ञान की आग में कोई धुआं नहीं होता, किसी शरीर को किसी भी संत को साधक को देखकर हम कैसे पहचाने किसके भीतर आग लगी नहीं लगी। कपड़ा तो सफेद, साधु कपड़ा बहुत लोग पहन लिए, लेकिन कौन सही साधक है, कौन साधक की खाली वेश पहना है क्या पता, या तो खुद जानेगा या तो गुरु जानेगा। गुरु जानेगा वो भी एक कहने तरीका, गुरु भी नहीं जान सकते पूरे पूरे। तो लागी आग समुद्र में कांदो जर भे छार, साहब कहते हैं सिंह अंतकरूपी समुद्र में ज्ञान की आग लगी और कमादिक कीचड़ जल करके राख हो गए, जीव का कल्याण हो गया। इधर दूसरी तरफ उत्तर दिशा का पंडिता रहा विचार विचार, सूर्य के उत्तरायण में मोक्ष मानने वाले स्वर्ग मानने वाले पंडित खाली पोथी ही विचारते रह गए। तो दक्षिणायन में शरीर छोड़ने से अधोगति होती है, उत्तरायण में शरीर छोड़ने से कल्याण की प्राप्ति होती है, ये साधना और विषयाशक्ति की बात है। दक्षिणायन क्या है? राग रंग में डूबे रहना, अब कच्ची दशा, उत्तरायण है परिपक्व दशा। कोई भी हो, साधु का ही कपड़ा कोई पहना हो और अभी मन संसार में डूबा हुआ है और शरीर छूट गया तो अधोगति होना ही होना, बंधन में जा में पड़ना ही है और नाना योनियों में भटकना ही भटकना है। और यदि उत्तरायण में शरीर छूटा, पूर्ण त्याग वैराग में परिपक्व हो गया, उस समय शरीर छूटा, तो चाहे जब शरीर छूटे, सुबह सुबह दोपहर शाम दिन रात, और चाहे
सड़क पर हो, चाहे मकान पर हो, चाहे बिस्तर पर हो, चाहे घूर पर हो, चाहे बाग में हो, चाहे नदी तालाब पर हो, कहीं छूट जाए, वो सबसे मुक्त ही है। शरीर रहते रहते जितने शरीर के मोह का त्याग कर दिया है, शरीर का रहना न रहना जिसके लिए बराबर हो गया है, कभी उसका शरीर छूट जाए, कहीं भी छूट जाए, उसे क्या फर्क पड़ता है? वो हर समय मुक्त ही है। प्रारब्ध व शरीर चल रहा है बस, जीते ही जिसने मर लिया प्रकाश, फिर मरना कहां? प्रारब्धवश तंडोलता अब छूट जा चाहे जहां। श्री प्रकाश साहब ने भजन में एक अंतिम में कहा है, बहुत बढ़िया भजन है ये, वैराग्य दाया है तेरी, करता है तू सबको निहा, ये प्रारंभ की पंक्ति है। उसके अंतिम में ही है, जीते जिसने मर लिया प्रकाश, फिर मरना कहां? प्रारब्धवश तंडोलता अब छूट जा चाहे जहां। जीते जी जितने जो मर गया, जीते जिसने जी जितने अहंकार को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मनोविकार को मार लिया, अब उसको मरना कहां है? वो तो मुक्त है, प्रारब्ध व शरीर छूट रहा है, चाहे जहां छूट जाए, चाहे जब छूट जाए, हर समय मुक्त। तो उत्तरायण में शरीर छोड़ने का अर्थ यह है पूर्ण परिपक्व दशा, ज्ञान विवेक वैराग की पूर्णता। इसमें शरीर छूटा बस कल्याण ही कल्याण है। तो शुरुआत में बीजक की पंक्ति है कि नित अमावस, कल अमावस्या का पर्व है, अमावस्या को देवता भी माना गया है। अथर्ववेद में अमावस्या की बड़ी प्रशंसा की गई है, एक पर्व माना गया है, तो है ही एक बहुत प्रशंसा की गई है। और प्रशंसा करते 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 यहां तक कह दिया गया है कि हे अमावस्या, तू ही संसार को चलाने वाली है, तूने संसार को बनाया है, तेरे सिवा संसार को दूसरा कोई बना ही नहीं सकता, किसी शक्ति नहीं संसार बनाने की, यहां तक ही कह दिया गया अमावस्या के बारे में। तो वैदिक ऋषि तो जिसको कहते थे उसी में ही प्रशंसा में खूब लिखते चले जाते थे। तो अमावस्या एक पर्व है का दिन माना गया है। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र दोनों का उदय एक साथ होता है, इसलिए उसे अमावस कहा गया है। अमावस, अमा साथ, वस बसना, साथ साथ बसना। सुबह से शाम तक सूर्य और चंद्रमा लगभग साथ साथ चलते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना होता है कि चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। तो ये भी तिथि महीने में एक बार आती है, लेकिन ज्ञानी पुरुष के लिए रोज अमावस्या है। जैसे कि कहा गया कि सूर्य और चंद्रमा का एक साथ रहना अमावस्या है। आध्यात्मिक दिशा में सूर्य ज्ञान का प्रतीक है और चंद्रमा मन का देवता। वैदिक साहित्य में माना गया है कि चंद्रमा मन का देवता है और सूर्य आंख का देवता है, और आंख से तात्पर्य है ज्ञान, क्योंकि देख करके ही ज्ञान होता है। ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, तेरहवीं रमणी साहब ने जो कहा है कि ओछी बुद्धि वालों का चंद्रमा डूब गया, वहां चंद्रमा से तात्पर्य है मन। जिनकी ओछी बुद्धि थी उनका मन विषय वासनाओं में डूब गया, इसलिए उनकी समाधि नहीं लगी, ध्यान नहीं लगा। तो सूर्य ज्ञान का प्रतीक और चंद्रमा मन का प्रतीक। तो ज्ञानी पुरुष अपने मन को ज्ञान में लीन करता रहता है, ज्ञानी पुरुष का मन ज्ञान में ढल जाता है, ज्ञान में रम गया, बस अमावस्या हो गई।
मन का ज्ञान में ही रम जाना, ज्ञानवान हो जाना, ज्ञान में लीन हो जाना, बस कृतार्थता है। मन ज्ञान में नहीं डूबा हो रहता है, संसार में भटकता, यही तो दुख बंधन का कारण है। और मन ज्ञान में लीन हो गया, सारा ज्ञान खत्म, सारा अंधकार खत्म, केवल प्रकाश ही प्रकाश रह गया, तो भटकने का चांस कहां है? इसलिए मन को ज्ञान में ही लीन किया जाए। और रोज ऐसा किया जा सकता है, और यही करना साधना का काम है, साधक का काम यही करना साधना ही है। साधना कुछ और थोड़े है। नंगे रहना, भूखे रहना, कपड़ा ठंडी में भी बाहर रहना, मौन हो जाना, ये सब साधना नहीं है, काया कष्ट है। साधना तो है मन को ज्ञान में ही ढाल लेना, ज्ञान में पूरी तरह से लीन कर देना, ज्ञान को छोड़ करके मन और न भटकने पाए। व्यवहार में भी जब काम करे तो ज्ञान पूर्वक, ज्ञान के अंकुश में वह काम करे। तब वो मन बंधन का कारण नहीं बनेगा, फिर मोक्ष का कारण बन जाएगा। और जब मन ज्ञान में लीन है, ज्ञान में रम गया है, तब पर्व है ये, फिर आनंद उत्सव का दिन है ही, क्योंकि जीवन कृतार्थ हो गया, सारे बंधन खत्म। इसलिए साहब कहते हैं कि नित्य अमावस निसंक्रांत, जो ज्ञानी साधक उसके लिए नित्य अमावस्या, क्योंकि रोज वह मन को ज्ञान में लीन कर देता है और रोज मन को संसार से लौटा करके आत्मा की तरफ ले जाता है। इसलिए रोज अमावस्या, रोज संक्रांति, और कल की ग्रहण भी है, इसलिए साहब आगे भी कहते हैं कि इसी शब्द के अंत में, मैं तो ही पूछा पंडित जना हृदय ग्रहण लागू के खाना, ग्रहण में होता क्या है? कल सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, और जितने अंश में चंद्रमा आएगा उतने अंश का सूरज हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, बस क्योंकि चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ेगा, इसलिए वो लगेगा कि सूर्य ढक गया है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ, उसका एक प्राकृतिक असर होता है, उस समय जो सूर्य से किरणें निकलती है वो आंख के लिए, नंगी आंख के लिए खतरनाक होती है, इसलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंख से नहीं देखना चाहिए। यह भी घटना समय समय से होती रहती है, कभी भी हमेशा ग्रहण नहीं होता, न तो चंद्र ग्रहण हमेशा होता है और न सूर्य ग्रहण हमेशा होता है। सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो अमावस्या को होगा, चंद्र ग्रहण जब भी होगा तो पूर्णिमा को होगा, और साल भर में 12 पूर्णिमा है, 12 अमावस्या है। कितना भी ग्रहण लगे, साल में 12 से तो अधिक लगने से लगेगा नहीं, अब 12 भी कहां लगेगा। हमें ध्यान ये लगना रखना है कि हमारे मन में अज्ञान का ग्रहण न लगने पाए। हमारे मन में यदि अज्ञान का ग्रहण लग गया तो बस हम भटक गए। ग्रहण लगना क्या है? यह देखना कि मन में कब कब विकार आ रहा है, मन में किसी प्रकार का विकार आना को
कोई भी विकार हो, काम का विकार, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, राग का, घृणा का, इतना ही नहीं, यदि किसी को दुख मिलते देखकर, किसी को परेशानी में देखकर हमारे मन में प्रसन्नता हुई, इसका मतलब यह है कि हमारे मन में ग्रहण लग गया। क्योंकि दुखी को देख करके प्रसन्न होना गंदे मन का लक्षण है। दुखी को देख करके तो हमारे मन में करुणा होनी चाहिए, दुखी को देखकर हमारे मन में दुख होना चाहिए कि देखो उसके जीवन में ऐसा दुख आ गया, बेचारा मन परेशान होगा, और ऐसा हुआ नहीं, करुणा तो जगी नहीं, सेवक भावना जगी नहीं, मन में प्रसन्नता होगी, इसका मतलब हमारा मन विकारी हो गया, विकारी हुआ मतलब ग्रहण लगा। इस प्रकार का ग्रहण हमारे जीवन में नहीं लगना चाहिए, और ऐसा ग्रहण भी लगता रहता है तो फिर हम कभी दुख से, बंधन से मुक्त हो नहीं सकते हैं। इल्ले साहब कहते हैं ना कि मैं तो ये पूछो पंडित जनक हृदय ग्रहण लागू तो एक है ना, एक पंडित मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब कब लगता है। हर किसी को देखना चाहिए कि कब कब मेरे मन में विकार आते हैं, और जो बराबर देखता रहेगा और देख देख करके संभल संभल कर काम करता रहेगा उसके मन में ही विकार नहीं आ पाएगा। हर क्षण मन में विकार आने की संभावना बनी रहती है, थोड़ी सा सावधानी होती है कि बस मन में विकार आया, विकार आ जाता है, विकार आया ग्रहण लग गया, और जब ग्रहण लग गया तब तो फिर कष्ट आना ही आना है। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो राहु और केतु सूर्य चंद्रमा खाने दौड़ते, बेचारे बहुत कष्ट में होते हैं, वो राहु केतु तो काल्पनिक कहीं है ही नहीं, और चंद्रमा और सूर्य तो प्राकृतिक जड़ पिंड है, उनको क्या कष्ट होगा। लेकिन हमारे मन में ग्रहण आया तो आत्मरूपी सूर्य को कष्ट होना ही होना है, हमें कष्ट हो गई। जब भी विकार आया कि हमें कष्ट मिलना ही मिलना है, इससे हम बच नहीं सकते हैं, इस कष्ट से छुटकारा पाना है तो ग्रहण न लगने दें, प्राकृतिक ग्रहण को न लगने दें, इसे कोई नहीं रोक सकता। कितना भी वैज्ञानिक उन्नति क्यों ना हो जाए, वैज्ञानिक लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को रोक नहीं सकते हैं। करोड़ों किलोमीटर दूर चंद्रमा और सूर्य है, उसकी गति को कैसे रोकेंगे। ग्रहण को रोकने का अर्थ है चंद्रमा और सूर्य की, पृथ्वी की गति को रोक देना, और ये कभी संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं है, और इसमें कोई लाभ भी नहीं है। हाँ, लेकिन हम अपने जीवन में लगने वाले जो ग्रहण है उसको रोक सकते हैं, और इसी के लिए तो साधना की जाती है, इसी के लिए हम लोग साधना मार्ग में आए भी हैं, इसी के लिए संत गुरु की शरण में जाते भी हैं कि जीवन में ग्रहण न लगने पाए। तो निरंतर हमें अपने मन की निगरानी करते रहना है कि, और देखते रहना है कि मन में ग्रहण तो नहीं आ रहा है, मन में विकार तो नहीं आ रहा है, विकार आ गया तो उसे विवेक से, विचार से हटाते रहें, हटाते रहें। विवेक विचार का जितना हम उपयोग करते रहेंगे उतने ही ग्रहण आने की संभावना कम रहेगी। अभी जाएगा ग्रहण, विकार आ जाएगा तो फिर जैसे विचार विवेक जागृत करेंगे वो दूर हो जाएगा। और जिस प्रकार से निरंतर सावधान रहेगा, जैसे साहब ने कहा है कि फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने ढेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेर, हर समय जो सावधान रहेगा उसका मन सब समय ग्रहण मुक्त रहेगा, और मन ग्रहण मुक्त है तो जीवन में आनंद ही आनंद है, शांति शांति है। इसलिए आज का जो
पर वह सत्ता संबंध जो कहा गया कि अपने मन को हम हर समय ज्ञान में लीन रखें तो हर समय हमारे लिए अमावस्या है। मन को जड़ देश से हटाकर, विषयाशक्ति विषय वासना से हटाकर आत्मा की ओर घुमाते रहें तो हर समय संक्रांति है, और मन को हमेशा निर्विकार बनाए रखें तो हर समय ग्रहण से मुक्ति है और जीवन का कल्याण है। हम लोगों को संत गुरु की शरण में रहते हुए, सत्संग साधना करते हुए यही काम करना चाहिए।